हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है क्लर्क पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 9/10/2019 है और तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ही इसकी नोटिफिकेशन और इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन के लिए, तो आपको इस अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करना है और आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहां पर दो डिटेल देखने को मिलेंगी, एक है आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल और एक है आपका लॉगिन पोर्टल। न्यू कैंडिडेट जो है वो यहां से रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इनको यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, जैसे आपका नाम, तो आपका फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर मैंडेटरी है वो आपको फिल करना होगा। मिडिल नेम और लास्ट नेम फ्रेंड्स आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, यदि आपके पास ये नहीं है आपका लास्ट नेम और मिडिल नेम तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स जो है वो है आपके मोबाइल नंबर का, तो आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पर दो बार फिल करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको एंटर करनी है आपकी मेल आईडी। तो आपकी मेल आईडी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप डोमेन सर्च करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड जो कन्फर्म वाला ऑप्शन है, इसमें आपको दोबारा से आपको आपकी जो भी मेल आईडी है विद डोमेन आपको यहाँ पर एंटर करके इसको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद ये तीन चीज़ें जो आपने यहाँ पर डाली हैं इसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ मिल चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, जो कि आपको आपकी फ़ोटो एंड साइन यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि इस गाइडलाइन के अंतर्गत आपको ये फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अगर फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साइज़ के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो आपका 20 से 50 KB और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका 10 से 20 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। और जैसे ही आप इनको यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो फोटो एंड साइन है उसका आपको प्रीव्यू यहाँ शो जैसे ही करेगा वैसे ही आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट स्टेप करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके यहाँ पर बेसिक डिटेल का। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आपकी कैटेगरी यहाँ से चूज़ करनी है, तो आपकी जनरल कैटेगरी या फिर EWS या फिर आप SC ST जो भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का। यदि फ्रेंड्स आप 40% या अबव में इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यहां पर यस करेंगे। और इसके बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, आपकी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपकी क्या है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सब टाइप आपकी छाट सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है आपको वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है यदि वो ऑप्शन आपका एक्टिवेट होता है तो आप इनमें से भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या फिर आपका राइटिंग हैंड जो है अफेक्टेड है या फिर आपको स्क्राइब चाहिए, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे ऑप्शंस आपके एक्टिवेट होंगे, पर यदि आप यहाँ इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है आप यहाँ पर इसमें नो सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ऑप्शन, यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। 9084 राइट्स में अगर आपके कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर अफेक्टेड हुआ है तो भी आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स रिलीजन का ऑप्शन है, आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि फ्रेंड्स आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मिस मुसलमान जैन पारसी बौद्ध सिख में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड जो ऑप्शंस हैं वो आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड हैं, फॉर यदि आप इसमें फ्रेंड्स आते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है, यस या नो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो सर्विस है वो आपको मंथ में यहां पर बतानी है वो आप यहां लिख देंगे। आप जब रिटायर हुए हैं उसकी डेट मंथ एंड ईयर आपको यहां पर बताना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने कोई भी जॉब जो है आपने ज्वाइन की है गवर्नमेंट जॉब और आपने बेनिफिट ले लिया है एक्स सर्विसमैन का तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। और इसके बाद है डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड इन एक्शन का, तो यहां पर भी आप यस या नो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स आप यहां पर क्या जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं।
ये वाला फ्रेंड जो ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर उन एक्स सर्विस मैन के लिए जो कि मैट्रिकुलेट हैं, मतलब 10वीं पास है और उनके पास जो है सर्टिफिकेट है नेवी या एयरफोर्स का और कम से कम 15 ईयर की सर्विस उन्होंने की है, तो यहाँ पर वो यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में आप एलिजिबल नहीं हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर नो कर दिया, आप एक्स सर्विस मैन नहीं है, तो आपके जो भी ऑप्शन है यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर जो भी विडो कैंडिडेट है या डिवोर्सी वुमन कैंडिडेट है वो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स रेगुलर एम्प्लॉय है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल के लिए, तो फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये है आपका अपेयर फॉर CWE फॉर क्लरिकल कैडेट अर्लियर। यदि आप पहले इसमें अपेयर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, यदि आप पहली बार अपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप मान लीजिए आपने पहले दिया है, एक बार दिया है या दो बार दिया है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। अगर IBPS PO की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जब हमने उस पर पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपको जो है एंटर करना है यहाँ पर प्री एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर एंटर कर रहे थे मेन एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्री या मेन जो भी आप यहाँ देना चाहें आप दे सकते हैं। ऐसा कोई फ़र्क इससे आपको नहीं पड़ने वाला है। जो जो डिटेल्स आपको याद है, मान लीजिए आपने पिछले साल दिया था या फिर उससे छठे नंबर का दिया था, तो आप यहाँ पर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनको सेलेक्ट करेंगे आप अपने जो आपके कीबोर्ड है उससे दबाएंगे कंट्रोल की। दबाने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर मल्टीपल जो है पोस्ट को सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो है आपके नेशनलिटी या सिटीजनशिप का। यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इंडियन या अदर वाली कैटेगरी को, तो आपके हिसाब से जो भी आपकी यहाँ पर सिटीजनशिप है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वैकेंसीज ऑफ स्टेट, तो आप जिस स्टेट के लिए या जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। स्टेट कोड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्री एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ से चूज़ करना है, उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ से चूज़ करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक नोट सेक्शन दिया गया है जिसमें आप फ्रेंड्स आप किसी भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो कि आपके पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पर जो भी आपकी एज है, जैसे मान लीजिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आपकी जो भी एज होगी वो आपकी ऑटोमेटिक काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके जेंडर का ऑप्शन, उसके बाद है मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आप अनमैरिड हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपका स्पाउस नेम वाला ऑप्शन है ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पर यदि आप मैरिड कैंडिडेट हैं या फिर अदर कैटेगरीज को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स आपको आपके स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम आपको फिल करना ज़रूरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो है आपके फ्रेंड्स फादर नेम का और आपके यहाँ पर मदर नेम का, तो आप यहाँ पर इनकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपका जो पत्राचार वाला जो एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। आपका एड्रेस यदि बड़ा है तो आप 1-2-3 लाइन में इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ फिल करेंगे, आपका जो स्टेट है वो आप चूज़ करेंगे और यहाँ से आपका जो पिन कोड है वो आप फिल करेंगे। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यदि अलग अलग है तो आप मैनुअली एंट्री इसकी कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड जो GST इन्वॉइसिंग का है, आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप इनमें से क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर 7 नेक्स्ट कर सकते हैं और 7 नेक्स्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप यहां पर इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने का फ़ायदा क्या है कि अगर आपका वैलिडेट सक्सेसफुली होता है तो आप यहां से 7 नेक्स्ट कर सकते हैं, पर यहां पर अगर आपको एरर बता देता है तो एरर का मतलब है कि आपने कोई ऑप्शन यहां ब्लैंक छोड़ा है। जैसे मान लीजिए स्पाउस नेम का ऑप्शन हमने ब्लैंक छोड़ दिया है तो यहां पर हमको ये बता दिया है इसने एरर। जब तक हम इस ऑप्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे ये आप आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। तो वैलिडेट और डिटेल का फ़ायदा सिर्फ यही यहां पर रहता है। उसके बाद फ्रेंड जब आप सब डिटेल को यहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पर जब आप वैलिडेट करेंगे तो आपको शो मिलेगा वेरीफाइड सक्सेसफुली और इसके बाद आप यहाँ से इसको 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 9/10/2019 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बात करें यहाँ पर डिग्री की, तो यहाँ पर देखिए आपको डिग्री दी गई है, आप इनमें से कोई भी डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं और इनमें अगर आपकी कोई डिग्री नहीं है तो आप अदर करके मैनुअल एंट्री भी उसकी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट या स्ट्रीम का, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट या स्ट्रीम जो है चूज़ करनी है। आपकी जो भी सब्जेक्ट है या स्ट्रीम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो बात करें यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग की, तो आपकी जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट
कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है आपकी परसेंटेज, तो आपकी जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ से आपका क्लास या ग्रेड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स है आपकी पीजी डिग्री डिटेल, इसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल और इसके बाद है अदर डिटेल। यदि आपके पास कोई पीजी है या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या कोई अदर डिग्री आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं इसको देने के लिए। पर यदि आपके पास नहीं है, सिर्फ आप ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट डिग्री की ही यहाँ पर डिटेल फिल करना चाहते हैं तो भी आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए इसलिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद है सर्टिफिकेट इन, तो आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में, या फिर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज में, या फिर आपके पास डिग्री है, या फिर आपने स्टडी की है हाई स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर या फिर आई टी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है ये है आपके यहाँ पर प्रेजेंटली वर्किंग के लिए। यदि फ्रेंड्स आप काम इस समय कर रहे हैं या फिर आपने पहले कभी काम किया है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डालना है अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं या फिर लेटेस्ट आपने कोई काम किया है तो आप अपनी डिटेल जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसके नेम ऑफ द एम्प्लॉयर का डेजिग्नेशन, किस पद पर आप काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया, आपके नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, क्या क्या काम आप करते थे, क्यों आपने इस वर्क को छोड़ दिया। और यदि फ्रेंड्स मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क करते थे 2 साल या 1.5 साल से और आपने अभी तक वो काम नहीं छोड़ा है, प्रेजेंटली वर्किंग है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 17 सितंबर 2019 की डेट आपकी आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और आपको ये सभी ऑप्शन ब्लैंक आप रख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर अदर डिटेल, तो देखिए ये है आपके प्री एग्जाम ट्रेनिंग मींस पीईटी के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एससी एसटी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये कंडक्ट की जाती है। यदि आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ पर यस करके सेंटर फॉर ट्रेनिंग चूज कर सकते हैं, बाकी के लिए ऑप्शन ये आपका ऑटोमेटिक डिसेबल रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई आपके खिलाफ कोई केस है या कुछ है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज नोन का, तो आपको देखिए कम से कम एक लैंग्वेज यहाँ पर देना ज़रूरी है। आप चाहें तो मल्टीपल लैंग्वेज भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें वो आप आराम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको वैलिडेट करेंगे और वेरीफाइड सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट डिटेल है वो है आपके बैंक प्रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको नेम ऑफ द बैंक दिए गए हैं, यहाँ पर आप जिस भी बैंक को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस बैंक पर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जितने बैंक को यहाँ सेलेक्ट करना चाहें उतने बैंक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से या फिर सीट के हिसाब से, वो आप जैसा भी देना चाहें उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है उन पर आप क्लिक करते जाएंगे और ये ऑटोमेटिक आपकी सेलेक्ट यहाँ पर होती चली जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल आप यहां फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल यहां पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर करना है वैलिडेट योर डिटेल्स, इसके बाद आप यहां पर करेंगे सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी डिटेल है जो भी आपने यहाँ पर फिल किया है वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे और कोई भी गलती आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से इसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप आएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर को वेरीफाई करना होगा, आई एग्री पर क्लिक करना होगा और ऊपर से नीचे तक आप एक ऑप्शन को चेक करेंगे। यदि कोई गलती है तो बैक जाकर उसको सही करेंगे और यदि कोई गलती आपकी नहीं है तो आप फ्रेंड्स यहाँ से इसको फाइनल सबमिट करेंगे। और यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप कोई भी चेंज या एडिट इसमें नहीं कर सकते, इसका आपको ध्यान रखना होगा। एक बार आपने इस ओके टैब को दबा दिया आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का ऑप्शन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको गाइडलाइन दी गई है, इन गाइडलाइन को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखाएगा, आप यहाँ पर इसको ओके कर सकते हैं और आपके यहाँ पर प्रीव्यू का टैब आपको शो करने लगेगा। सेम यही फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करेंगे इसका प्रीव्यू आपको यहां शो करेगा, आप इसको ओके कर सकते हैं। और यहां पर जैसे ही आपको 2 प्रीव्यू टैब देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो नीचे आपको सिक्योरिटी कोड दिया गया है इसको आप यहां एंटर करेंगे और यहां से आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप फिर यहां से ओके करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है फ्रेंड्स वो आपके फाइनल स्टेप है जो कि आपके पेमेंट का है।
तो यहाँ पर देखिए, आपने पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी कोड डालना है, सबमिट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है और आप बिल डेस्क पर पहुँच जाएंगे जो कि इसके पेमेंट गेटवे है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका नेट बैंकिंग रहता है और आपका डेबिट कार्ड रहता है। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड का आप कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर डालकर मेक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़र हैं तो अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट आप कर सकते हैं। मेक पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये दोबारा से रिडायरेक्ट कर देगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए लॉगिन क्रेडेंशियल जो कि आपके मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर SMS के थ्रू आपको मिले हैं वो आपको यहां पर फिल करने होंगे और ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप दोबारा से यहां पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का। आप इस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको जरूर आप PDF में सेव कर लें। इसके लिए फ्रेंड्स आप कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं PDF24 सॉफ्टवेयर और इसके माध्यम से फ्रेंड्स आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको PDF24 अपने कंप्यूटर पर डालेंगे आपके प्रिंट सेक्शन में ये ऑटोमेटिक शो करने लगेगा PDF24 का ऑप्शन और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एज़ PDF का और आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अपने PC पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की IBPS क्लर्क 9 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।